नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे फोटो को कैसे डालते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फोटो को डालने के लिए यानी कि अपलोड करने के लिए या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ़ोटो को पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो वीडियो होगा वह दिखने लगेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जिस भी फ़ोटो को अपलोड करना है, डालना है, उसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो साइन दिख रहा है आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद होगा क्या कि यहाँ से आपका जो फ़ोटो है वह जूम हो जाएगा। अगर आपको फ़ोटो यहाँ पर जूम हो गया है, आप इसको छोटा करना चाहते हैं, तो फिर से आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपका फ़ोटो छोटा हो जाएगा। अगर आपको फ़ोटो का फेस कट रहा है तो आपको फ़ोटो को नीचे की ओर थोड़ा डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद आपको ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर का कई सारा ऑप्शन दिख जाता है। अब यहाँ से अगर आप फ़ोटो पे कोई भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जिस भी फ़िल्टर को लगाना है उसको इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अब आपको ऊपर में यहाँ पर आपको सॉन्ग का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर इस फ़ोटो पे कोई भी इंस्टाग्राम पे सॉन्ग लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सॉन्ग दिखने लगेगा। अब यहाँ से अगर आप इस सॉन्ग को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, या आपको कोई भी मनपसंद का सॉन्ग लगाना है तो इसके लिए आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी सॉन्ग यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉन्ग सर्च कर लेते हैं। सॉन्ग का नाम आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा सॉन्ग दिख जाएगा। अब यहाँ से आप जिस भी सॉन्ग को लगाना चाहते हैं, लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस सॉन्ग को चेक कर लेना है कि यही सॉन्ग है कि नहीं। तो आपको इसके लिए यहाँ पर जो प्ले का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से वह सॉन्ग प्ले होने लगेगा। अब आपको उस सॉन्ग के नेम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इस सॉन्ग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कहाँ से इस सॉन्ग को लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको टाइमिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जितना देर का लगाना है यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फिर से डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट ए कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर इस फोटो के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम न्यू टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी को टैग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि टैग पीपल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वाइट कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जिसको भी टैग करना चाहते हैं उसका आपको यूजर नेम सर्च करना है। यूजर नेम सर्च करने के बाद यहाँ पर उसका अकाउंट दिख जाएगा। अब आपको उसको अकाउंट पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है कि टिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अगर आप इस फोटो में लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड लोकेशन पे क्लिक करके इस फोटो में लोकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में एक से अधिक इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन है तो उस पर भी इस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। उसके बाद अगर आप इस फोटो को फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि इस फोटो को आप ऑटोमेटिक फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नहीं तो आपको क्या करना है कि शेयर टू ओनली इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ़ोटो पोस्ट हो गया है, तो आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से आप इसको रेटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब यहाँ से अगर आप सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आवाज़ को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप इसमें सॉन्ग लगाए हैं, गाना लगाए हैं, आप पर बजने लगेगा।
तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पे फोटो को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।